पूरी जनता बड़े गौर से देखती है, ये पूरे हिंदुस्तान में कौन पागल है, मैं बदर घोष की दाढ़ी से बदर को गुजार रहा है, सबके दिमाग में भरा है कि बस पत्थर के हनुमान, कागज के हनुमान, और उन पर लड्डू चढ़ा के खुद ही खा जाओ श्रीमान, सबके दिमाग में भरा हुआ है। आखिर हनुमान जी की सेना में कौन था? कपि संकट मोचन नाम किया है, कपि कपि माने बंदर। तो यथार्थवादी बनिए, अगर कुछ प्राप्त करना है, हम यथार्थवादी बने तो पूरी दुनिया में छा गए। यथार्थवादी बनो, माना कि 100 में 90 लोग ये कहाँ आ गए हैं? हाँ तो कहीं किनारे लगाओ, चाय तो हमारी रखिए, तुम पी लो जाके, ऐसे जगह लगाओ कि लोगों को हटाना बढ़ाना न पड़े। चलो एकांत में है, ठीक। अब हमारी चाय तो यहीं रखी होगी कि अंदर रखी? तब हम भी हैं, तुम लोग अपना दुकान में पियो, कुछ जी में हमारी चाय कहाँ? और कुछ कहेंगे सर? बस और कुछ नहीं चाहिए, बस आप जाइए। हाँ लाओ। अरे कुछ पैसा है कि नहीं जेब में? कुछ पैसा है कि नहीं जेब में? बेचारे कहेंगे नहीं, पूछना हमारा भी फर्ज बनता है। लाइब्रेरी दलमऊ तहसील है, यहाँ आए हैं, ये लोग चाय पियेंगे, हम अपनी चाय पी लें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सुबह से शाम कितने लोग हैं ताजुब से देखते हैं कि बाबा बंदर भोज की गाड़ी, कोई की दिलचस्पी नहीं, बस इनकी दिलचस्पी है मंदिर, मंदिर बनवा दो, मंदिर में चंदा दे देंगे, मंदिर में भंडारे के लिए चंदा देंगे, बंदर से मतलब नहीं है अभियान दो। हनुमान जी तो खाते हैं नहीं, बंदर ही तो खाता है, उसको पहले खिला दो, सूखा गेहूँ खिला दो, लड्डू तुम खा लो हनुमान जी में चढ़ा के, लेकिन पहले बंदर का पेट भरो। क्यों? बंदर तुम्हारा लड्डू नहीं खाएगा, बंदर को तुम्हारे लड्डू की मालपुआ पूड़ी की ज़रूरत नहीं, बंदर को सादी रोटी दे दो, भीगा चना हो दे दो, या कच्चा सूखा गेहूँ दे दो, बड़े प्रेम से खाएगा वो। ठीक, कहाँ भैया? यहाँ नहीं भैया, यहाँ तक यहाँ भी राशन रखे हैं, लेकिन गांव बस्ती के अंदर अगर दे दो तो मुसीबत है। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।